फाइव कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट में आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब होता है सीमांत और कॉस्ट मतलब लागत। द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट बाय वन यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वह होती है जब जो आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है, वो इंक्रीज होगा और उसकी वजह से टोटल कॉस्ट क्या होती है, चेंज होती है, इंक्रीज होती है, तो वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। जब प्रोडक्शन की एक यूनिट से भी क्या होता है, चेंज आता है और उसकी वजह से टोटल कॉस्ट इंक्रीज या चेंज होती है, तो वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। दस मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द चेंज इन आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट वहाँ होती है जब टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, किसकी वजह से, आउटपुट की वजह से चेंज आता है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सपोज अगर 20 क्या है कॉमोडिटीज़ है, उसके उत्पादन में कितने लग रहे हैं, प्रोडक्शन में 40 रुपीज़ लग रहे हैं, और 21 क्या है गुड्स, उसके प्रोडक्शन में 43 रुपीज़ लग रहे हैं। तो 20 के प्रोडक्शन में 40 रुपीज़, 21 के प्रोडक्शन में 43 रुपीज़, तो 43 और 40 के बीच में जो डिफरेंस आएगा 3 रुपीज़ का, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला दे रखा है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, या उसे हम MC इक्वल TCN, N यहाँ पर है नंबर ऑफ आउटपुट या क्वांटिटीज, माइनस TCN माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट कर्व दे रखा है, ये एक्स एक्सिस दे रखी है आउटपुट एक्स पर और वाई पर मार्जिनल कॉस्ट इन रुपीस। पॉइंट देखेंगे हम, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है किसकी वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, मतलब परिवर्तनशील अनुपात के कुछ नियम होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले, वेरिएबल्स वगैरह, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह, तो उसकी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड चेंज ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक प्रकार से फिक्स्ड कॉस्ट के टाइम पर क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। जब फिक्स्ड कॉस्ट आती है, जब स्थिर लागत होती है, जब ये फूली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जब वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब जब लागत में क्या होता है परिवर्तन आने लग जाता है, तो इसमें भी क्या आने लग जाता है, चेंज हो जाता है ये कर्व भी। मार्जिनल कॉस्ट शो द रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट की वजह से अगर टोटल कॉस्ट में जो बदलाव आता है वो हमें मार्जिनल कॉस्ट की वजह से समझ में आ जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप हम देखेंगे। द मार्जिनल कॉस्ट कर्व बियर्स अ क्लोज रिलेशनशिप विद AC कर्व। मार्जिनल कर्व और एवरेज कर्व का क्या होता है, काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है। सो लॉन्ग इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व, इट कंटिन्यूज फॉल टू फॉल एंड इट्स रेट ऑफ फॉल इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, लाइज करती है, मतलब जो बिंदु दिख रही ई वाली यहाँ पर लाइज करती है, तो दोनों क्या होती है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है, ज़्यादा ज़्यादा गिरने लग जाती है, ज़्यादा गिरती है, और किसी कंपेयर में एवरेज कॉस्ट के कंपेयर में मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा फॉल होती है। बट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट एंड मार्जिनल कॉस्ट राइजेस शार्पली एंड इज अबोव द एवरेज कॉस्ट कर्व। और जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो होती है बढ़ने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है, ये पॉइंट पे दोनों इंक्रीज़ होती हैं, जब इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो उस कंडीशन में जो एक दूसरे को जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट कर रही है किसको, एवरेज कॉस्ट को, किस पर, लोअर पॉइंट पर आकर, तो इस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। देखो इस डायग्राम में शो रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, एवरेज कॉस्ट इतनी इंक्रीज़ नहीं होती है। और डिक्रीज़ की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा डिक्रीज़ होती है और एवरेज कॉस्ट कम डिक्रीज़ होती है। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC कैन बी ब्रीफली स्टेटेड एज अंडर। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। फर्स्ट पॉइंट,
व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट क्या हो गई, गिर गई, मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो फॉल्स, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो गई, गिर जाती है, तो मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट. सेकेंड, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस, मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो राइजेस एंड मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. जब एवरेज कॉस्ट क्या होती है, राइज होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. थर्ड, मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट. और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करती कब, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर. तो ये हो गए रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व के थ्रू बताए गए. शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसी कॉस्ट, ऐसी लागत जो क्या होती है, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए चेंज होता है, जिसमें आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन उस इंक्रीज होने की वजह से कुछ को कॉस्ट जो होती है, लागत होती है, वो फिक्स्ड होती है, और कुछ कॉस्ट क्या आ जाती है, वेरी हो जाती है, मतलब उसमें वेरिएबल आ जाता है, चेंज आ जाता है. तो शॉर्ट पीरियड वो होगा जिसमें कुछ समय के लिए क्या आता है, जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो चेंज होता है. जैसे प्रोडक्शन क्या हुआ, अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ, और कुछ फिक्स्ड होती है उसमें कॉस्ट, और कुछ क्या होती है, वेरिएबल होती है, चेंज हो जाती है. जिसमें इसमें वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, जैसे रॉ मटेरियल, सेमी गुड्स, ये वेरिएबल्स फैक्टर होगा. फिक्स्ड फैक्टर होगा जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये होता है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल की अगर हम बात करें, तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती है, और कुछ कॉस्ट कैसी होती है, वेरिएबल होती है, चेंज हो जाती है. तो वेरिएबल फिक्स्ड बता चुकी हूँ मैं क्या होता है, ये वाली होती है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट. तो जब क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज होता है, आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से कुछ समय के लिए जो कॉस्ट है, लागत, फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है कुछ समय के लिए, तो वो होता है शॉर्ट रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट की हमने जो कैटेगरीज है, ये जो दे रखी है, 6-7 दे रखी है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी. इसके पहले मैंने आपको जो पढ़ाई वो यही थी, जैसे हम एक बार और देख लेते हैं. जैसे ए हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी पढ़ चुके हैं डिटेल में. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सी टोटल कॉस्ट, यहाँ पर टोटल पढ़ा हमने तीनों. उसके बाद एवरेज कॉस्ट या और एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो फिर तीन हमने पढ़ी थी एवरेज की. देन उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट. तो ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट के क्या है पार्ट्स है, मतलब शॉर्ट टर्म कॉस्ट में हम इनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट की. लॉन्ग रन कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, लॉन्ग टर्म मीन्स द टाइम पीरियड इन विच टाइम कैन चेंज ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ आउटपुट. इकोनॉमिक्स में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो वो ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक फर्म, एक इंडस्ट्री क्या करती है, अपना फैक्टर प्रोडक्शन, फिक्स्ड या वेरिएबल, सब क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है. किसकी वजह से, जब आउटपुट, जो आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है, वो उसकी सप्लाई की वजह से. इन अ लॉन्ग टर्म अ फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक, नंबर ऑफ वर्कर्स, etc. लॉन्ग टर्म पीरियड में एक फर्म सारी फैक्ट्री की जितनी भी चीज़ें होती है, सबको चेंज कर देती है. जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, रॉ मटेरियल्स हो गया, मतलब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर सब क्या कर देती है, चेंज कर देती है फर्म लॉन्ग टर्म में. वर्चुअली ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैन चेंज, मतलब जितने भी प्रोडक्शन के जो मीन्स होते हैं, साधन होते हैं, सब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. बट इन द शॉर्ट रन, वहीं अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, तो हमने अभी पढ़ा है, उसमें क्या होता है, सिर्फ कुछ वेरिएबल ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, नंबर ऑफ लेबर, यही क्या होते हैं, चेंज होते हैं. दस इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल्स. शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, कुछ वेरिएबल होती है, कुछ परिवर्तनशील होती है. लेकिन लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या होता है, सारे जितनी भी कॉस्ट होती है, सब वेरिएबल होती है, सब परिवर्तनशील होती है. देयरफॉर इन द लॉन्ग रन ओनली एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स एग्जिस्ट. तो इसीलिए लॉन्ग रन में सिर्फ दो ही क्या बनते हैं, कर्व बनते हैं. इसमें सिर्फ एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही बनाया जाता है, फिक्स्ड कर्व नहीं बनता है इसमें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नहीं बनता है. दिस लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड एज इन द केस विद शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व, बट दे आर
रिलेटिवली फ्लैटेंड, और जो अगर हम शॉर्ट रन कॉस्ट से अगर लॉन्ग रन कॉस्ट का कंपैरिजन अगर हम करें तो इसमें भी जो कर्व होता है वो किस शेप का बनता है, यू शेप का बनता है, लेकिन उसकी जो क्या होती है रिलेटिवली जो उसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो कैसा होता है, फ्लैटन होता है। फ्लैट मतलब होता है थोड़ा चपटा होता है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर ऑल्सो रिलेटेड, और लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होते हैं, इनसे काफ़ी रिलेटिव होते हैं, काफ़ी सेम होते हैं।